नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चंदन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज हम इस बहुत ही सुंदर से दिखने वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट अगर आपके गार्डन में होगा तो जो भी आपके गार्डन में आएगा इस प्लांट के बारे में ज़रूर पूछेगा, बिकॉज़ ये प्लांट है इतना अट्रैक्टिव। छोटे से ही प्लांट पर इतने सारे फ्रूट लगे हुए हैं, इतने सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं। तो इस प्लांट का नाम है ऑर्नामेंटल ऑरेंज प्लांट, इसको चाइनीज़ ऑरेंज भी कहते हैं। इस प्लांट को बहुत से गार्डनर अपने गार्डन में एज ए डेकोरेटिव पीस इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये दिखने में आर्टिफिशियल सा लगता है, डेकोरेटिव लगता है, इसलिए आप इसको एज ए डेकोरेटिव पीस भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। लेकिन इस प्लांट पर जो फ्रूट लगे हैं आप उसको खा भी सकते हैं। इस प्लांट पे फ्रूट बहुत अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, आप देख ही सकते हैं। मेरा छोटा सा ही प्लांट है, इस पर कितनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर फ्रूट्स लगे हुए हैं। इस प्लांट का ये जो फ्रूट है दोस्तों, इसका जो फ्रूट का जो टेस्ट है वो बहुत ही खट्टा होता है, जो लेमन होता है उससे भी ज़्यादा खट्टा होता है, लेकिन आप इसको खा सकते हैं। और इस पर फ्लावर जो है वाइट कलर के छोटे छोटे होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और इस प्लांट की केयर के बारे में बताऊं दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको सभी प्लांट्स के बारे में बताती हूं। अगर इस प्लांट को आप ज़मीन में लगाते हैं तो छोटा ट्री बन जाता है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको पोट में लगाते हैं तो भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन वेल ड्रेन्ड सॉइल रखनी चाहिए कोई भी प्लांट को अगर आप पोट में ग्रो करते हैं, ताकि उसकी जो है ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, खाद की बात बताऊं दोस्तों तो मैं आपको, आप इसको फरवरी सितंबर में अच्छी क्वांटिटी में खाद दे दीजिए। इसके अलावा आप बाकी सब प्लांट्स को जब खाद देते हैं तब इसमें भी खाद दे दीजिए, अलग से कोई आपको उसको खाद देने की ज़रूरत नहीं। जब बाकी सब प्लांट्स को देते हैं तब इसको दे दीजिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने बाकी सब प्लांट्स में देते हैं तब इसको भी दे सकते हैं। इस प्लांट पे कोई भी डिजीज़ मैंने तो नहीं देखी है। ब्लैक कलर के स्पॉट्स जरूर हो जाते हैं, उसको आप प्रेशर से पानी से वॉश कर दीजिए या फिर आप सोपी वाटर का यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा इस पे कोई भी पेस्ट मैंने तो नहीं देखा है। ये प्लांट मेरे पास साल भर से है और इस प्लांट में जो ग्रोथ है वो लगातार होती ही रहती है। अभी मई चल रहा है तो भी देख सकते हैं, इस प्लांट में आप ग्रोथ देख ही सकते हैं। सब जगह ग्रोथ हो रही है, न्यू लीव्स निकल रही है, ये देख ही पा रहे हैं आप, है ना। और फ्रूट भी देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में लग रहे हैं। तो इस प्लांट की ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। तो इससे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये प्लांट बहुत ही हार्डी है। एक बार अगर आप अपने गार्डन में इसको लेके आ जाएंगे तो सालों साल ये प्लांट आपके गार्डन में चलेगा। इस प्लांट में ध्यान रखने वाली बातें दो हैं कि एक, इस प्लांट को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, बिकॉज ये फ्रूटिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप इसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इस पर अच्छे से फ्लावरिंग होगी और अच्छे से फ्रूटिंग होगी। सेकंड बात का ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि इसमें वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है। वाटरिंग तभी करनी है जब मिट्टी ड्राई दिखती है आपको, ठीक है। अगर आप वाटरिंग ज़्यादा करेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास ये प्लांट है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें फ्रूट नहीं बन रहे हैं, फ्लावर नहीं हो रहे हैं, या बन रहे हैं तो वो फ्लावर और फ्रूट झड़ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है और आप इसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। अगर ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो पानी देना 2-3 दिन बंद कर दीजिए, उसके बाद आप जब जब मिट्टी ड्राई होती है तब तब पानी दीजिए, 1-2 दिन का गैप रख करके पानी दीजिए। इससे आपके प्लांट में खूब फ्लावरिंग आएगी और खूब फ्रूटिंग भी आएगी। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तब के प्लांट में फ्लावर और फ्रूटिंग अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोपोगेशन की बात बताऊं दोस्तों तो इसको आप इसके जो सीड्स होते हैं उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें जो फ्रूट है वो बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं। इस प्लांट को आप एयर लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसका ट्री ला सकते हैं नर्सरी से, जो भी प्लांट है वो ला सकते हैं नर्सरी से। नर्सरी से जब भी आप प्लांट लाएं दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें कि आप छोटा प्लांट लेकर के आएँ, बिकॉज़ ये जो प्लांट है जितना बड़ा साइज़ का होगा उतनी ज़्यादा इस प्लांट की कॉस्ट होती है, तो इसलिए आप छोटा सा प्लांट लेके आ जाइए और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो जाएगी और वो प्लांट आपके अच्छे से ग्रो कर जाएगा। इस प्लांट की अगर आपको और भी अच्छी ग्रोथ करनी है तो टाइम टू टाइम इसकी आप रिपोर्टिंग करते रहिए, आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट करते रहिए। जैसे जैसे बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इस पर और अच्छी क्वांटिटी के अंदर फ्रूट्स बनेंगे। तो इन बातों का ध्यान रख लीजिए दोस्तों और ये आपका प्लांट अच्छे से चल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब ये ग्रीन कलर के ऑरेंज जो हैं वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तो इस प्लांट की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
इस प्लांट पे जो फ्लावर आते हैं उनमें भी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो भी बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हैं मेरे छोटे से ही पॉट में लगा है और अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट। इसको अगर मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ तो इसमें ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी कुछ बातें इसके बारे में। अगर आपके पास ये प्लांट है और कोई प्रॉब्लम है इस प्लांट पर आपको, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी गार्डन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने इस प्लांट के बारे में सारे जो पॉइंट्स हैं आपको बता दिए हैं। अगर कुछ रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।